क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के द्वारा अपने जोरदार प्रचार और प्रसार के बाद में किसानों को अपनी कंपनियों से बीज बेच दिए और किसानों को लाभ की बात कही है। किसानों द्वारा अपने खेतों में लगाए गए फसल के खराब होने से कंपनियों के प्रति रोष व्यक्त किया है। बीज कंपनी को बताए जाने के बाद में कंपनियों द्वारा बताए उपाय करने के बाद भी काफी किसानों की फसल खराब हो गई है, जिसके चलते किसान आक्रोशित हैं। किसानों के लिए सक्रिय संगठन भारतीय किसान संघ के माध्यम से आक्रोशित किसानों ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के नाम अपना ज्ञापन तहसीलदार सुनील सिसोदिया को स्थानीय टप्पा कार्यालय पर सौंप दिया। ज्ञापन में किसानों ने खराब हो रही फसलों का तत्काल आकलन करने और किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। न सिर्फ मक्के की वही अन्य फसलें भी खराब हो रही हैं, जिसको लेकर पूर्व में भी कृषि अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। भारतीय किसान संघ ने फसलों का आकलन कराकर मुआवजा देने और खराब बीज को लेकर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुआवजा न मिला तो आगे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इसके लिए शासन ही जिम्मेदार होगा। क्षेत्र में बर्बाद हो रही मक्के की फसल को लेकर किसान बता रहे हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम बालकृष्ण वाणी है। मेरी यहाँ से 8 किलोमीटर रोड पर आके मेरी जमीन है। मैंने सिजेंटा कंपनी के 19 पैकेट, जिसमें 8 एकड़ लगता है, 6802 प्रकार 6802 जिसमें ना क्रमांक आता है, वो मक्के लगाया सर। 8 एकड़ में मैंने उसके अंदर बहुत खर्चा भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मक्की ना तो बड़ी है ना कुछ आगे कार्रवाई हो रही उसके अंदर, वो सब मरते गई सर। मैंने कंपनी वालों को भी बुलाया, कंपनी वाला कोई आया नहीं सर मेरे। इसका क्या कारण मानते हैं आप? वो तो पहले शुरू में बोलते थे आपके खेत में ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे अकेले की समस्या नहीं है सर ये। इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बिजवाई जिसका प्रचार भी ज्यादा हुआ था, और एजेंटों के विश्वास के कारण लोगों ने पिछले इस वर्ष उसको ज्यादा बोया और सबकी फसलें नष्ट हो गई है सर। कौन सी कंपनी है जिसकी बात कर रहे हैं? कंपनी है मानी जानी कंपनी थी पूर्व में, अभी तो कोई इसको लगाएगा ही नहीं, लेकिन 6802 क्रमांक का जो मक्के का बिजवाई था सर, वो पूरा फेल हो गया है। मैं एक किसान हूँ सर, और मैंने मेरा 12 अंतकाल के पास मेरा खेत है, मैंने 4 एकड़ अब 8 जो दो लगाई, उसमें 2 बार खाद देने के बाद भी उसकी हाइट नहीं पड़ी, उसको मैंने निकाल के फेंक दिया, दूसरा मक्का लगा दिया। ये बीज खराब हो रहे थे, वो कंपनी वाला बुलाया भी, वो बोले ऐसा हो जाएगा, उससे 2 बार उन्होंने खाद डलवा लिया, उसमें हमने दवाई भी डलवाई तो भी नहीं हो पाई, इसलिए निकाल के फेंक के दूसरी मक्की लगाई मैंने वापस। इसका कारण आप क्या मानते हैं? वो इनका क्या बीजवाई खराब है, इसके कारण मौसम भी साफ नहीं दे रहा। मौसम भी साफ नहीं है, और वो बोल रहे कि मौसम साफ होने होने इसके वजह से ऐसा हो रहा है। बोले मैं कैसा हो नहीं सकता है, अभी छोटी मोटी मक्की जो है तो उसमें थोड़ी गटर फूटे वाली मक्की को अभी इसकी आई खत्म हो गई, उसका टाइम पर सब चलेगा उसका। ज्ञापन किस बाबत दिया आपने? ज्ञापन हमारे पानसमल क्षेत्र में लगातार 30-40 दिनों से वर्षा हो रही है, जिसके कारण फसलों का विकास नहीं हो रहा है, तो उससे किसानों को उत्पादन नहीं मिलेगा तो किसानों को नुकसान होगा, इसलिए हमने इस बारे में ज्ञापन दिया है कि जो पानसमल क्षेत्र में पानसमल तहसील में जितनी भी फसलें कपास है, मूंग है, ज्वार है, मक्का है, सोयाबीन है, जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराकर जिन किसानों का बीमा है उनको बीमा का लाभ दिया जाए, और जिन किसानों का बीमा नहीं है उनको धारा आरबीसी के तहत धारा 6-4 के तहत उनको मुआवजा दिया जाए, इस बारे में हमने कृषि मंत्री से मांग की। जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।